हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों सुनील शुक्र, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग लिस्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा लिस्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मतलब लिस्ट को बनाना कैसे, लिस्ट होता क्या है एक्चुअली में। तो सिंटैक्स देख लो, लिस्ट का बनाने का सिंपल सा होता है। लिस्ट का कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो, लिस्ट वेरिएबल का कोई भी नाम लिख सकते हो, देन इक्वल टू साइन देना है, और ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट बनता है। ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट बनता है, और इसमें आप कोई भी टाइप का वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू वन कॉमा उसके बाद वैल्यू टू, ऐसे मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के अंदर। तो आप जो भी वैल्यू है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने बोला। तो एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट कैसे बनाना है। तुमने यहाँ पे डिटेल में लिस्ट को बनाया है, देख लो। यहाँ पे लिस्ट वन बनाया है मैंने इक्वल टू करके, ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने बोला ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेगा तभी उसे बोलेंगे लिस्ट को। तो यहाँ पे मैंने वो बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसमें हमने वैल्यू दी है, और मैंने वैल्यू ऐसे दी है कि वो हर एक टाइप को डिपिक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर दिया है, यहाँ पे फ्लोट दिया है कॉमा सेपरेट करके, राइट। देन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, देन यहाँ पे टपल दिया है हमने, देन यहाँ पे लिस्ट दिया है, यहाँ पे हमने सेट दिया है, देन यहाँ पे डिक्शनरी दिया है। हर एक टाइप को आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, तो ये बताना था इसलिए मैंने ये बताया है। सो लिस्ट में कोई भी टाइप स्टोर हो सकता है, सो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एरे में होता है, सी सी प्लस प्लस में, जावा में देखे तो एरे में एक ही टाइप का डेटा टाइप स्टोर सकते हो। तो इसमें लिस्ट में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट की एक खासियत होती है, वहाँ पे एक फंक्शनैलिटी मिलती है इंडेक्सिंग की, जिससे आप कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकोगे। तो इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं, उससे आप पर्टिकुलर एक कोई भी आइटम को एक्सेस कर सकते हो। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, हर एक जो भी एलिमेंट पड़ा है यहाँ पे, हर एक जो वैल्यू पड़ी है लिस्ट के अंदर, उसको एक नंबर दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वन को मैंने 0 नंबर दिया है, मतलब एक्चुअली प्रोग्राम जब बनाया है पाइथन ने, वहाँ पे बोला गया कि 0 नंबर जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसे 0 नंबर दे देते हैं। ऐसे ही इंक्रीज इंक्रीज होते जाता है इंडेक्स। देखो यहाँ पे जैसे कि 2.2 को 1 नंबर दिया है, एबीसी जो भी है उसको 2 नंबर दिया है, सिमिलरली इसको 3 दिया है, ये वाले लिस्ट को 4 दिया है, ऐसे ही डिक्शनरी को 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, इसका लेंथ को कैलकुलेट करें। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए लेंथ को कैलकुलेट करें तो हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है, 7 लेंथ है, पर इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक गई है, 7 माइनस 1, मतलब एक लेस रहता है लेंथ के, एक लेस लेस रहता है आपका लास्ट वाला इंडेक्स। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। और इंडेक्सिंग यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ मैं, जो पाइथन में इंडेक्सिंग होती है दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यहाँ पे देख सक रहे हो आप मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग लिखा है, एक नेगेटिव टाइप की इंडेक्सिंग होती है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंडेक्सिंग के जो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, हम लोग दोनों के टाइप को एक्सप्लोर करेंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में देख लेते हैं। जो भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर आपके लेंथ -1 तक, अभी भी मैंने बताया, और ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देखा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बता दूँ, वो स्टार्ट होता है -1 से, वो स्टार्ट होता है -1 से और आपके लेंथ -1 तक जाता है, लेंथ इंटू -1 तक जाता है। ठीक है, जैसे कि -7 तक गया मतलब इंटू -1, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। और ये जो भी नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो चालू कहाँ से होता है, राइट साइड से लेकर आपके एंड तक, लिस्ट के स्टार्टिंग तक ऐसे जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। और अब एक बात सोच रहे हो, -0 क्यों नहीं है, क्योंकि 0 को साइन नहीं रहता है, इसलिए -1 से स्टार्टिंग हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल इसका फायदा क्या हो रहा है, राइट। तो मैंने बोला लेट्स से मेरे को ना कोई तो ये जो एलिमेंट है एबीसी ये आउटपुट में लाना था, लिस्ट के अंदर का एबीसी खाली दिखाना था। तो मैं बोल सकता था प्रिंट लिस्ट वन का 2 नंबर का इंडेक्स, बिकॉज 2 नंबर के इंडेक्स में मेरा ईबीसी पड़ा है, तो मेरा एबीसी आउटपुट में आ जाता था, राइट। सो एबीसी ऐसे आउटपुट में आएगा। सिमिलरली कोई भी आउटपुट निकालना हो यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग, लाइक 1 आपको निकालना है तो आप बोलोगे लिस्ट 1 का 0 नंबर का इंडेक्स उसे प्रिंट कर दो, तो आपको 1 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको डिक्शनरी देखनी हो तो आप बोलेंगे लिस्ट 1 का 6 नंबर का इंडेक्स, डिक्शनरी दिखा देगा। या फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, लास्ट का एलिमेंट देखना हो तो लेंथ ऑफ लिस्ट 1 -1 कर दो, बिकॉज आपको पता चल गया है लेंथ जितना है उसमें से एक माइनस करोगे तो लास्ट का इंडेक्स बता देगा, तो भी आपको आउटपुट यही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, जो था वो कर देता हूँ। सिमिलर चीज़ है 6 और लेंथ -1। तो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बता देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम तरीका है पॉजिटिव इंडेक्सिंग की तरह तरह, बट आपको लेस से डायरेक्टली लास्ट वाला एलिमेंट देखना हो बस, आप ऐसे बोल सकते हो -5, लेट्स से ये वाला एलिमेंट देखना है आपको बस, -5 मतलब ये ए बी सी कोई सेम
देखना है तो आप बोलोगे लिस्ट वन का -5 वाला इंडेक्स, तो एबीसी मिल जाएगा। सिमिलरली वन को देखना हो तो -7 बोल दोगे, तो लिस्ट वन का -7 वाला वो ब्रैकेट्स में बताना, ठीक है। देख लो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, बड़े ध्यान से देखना, उसके बाद वन आ जाएगा। सिमिलरली ये चाहिए होगा तो -1 बोल दोगे, तो मेरे को -1 बोलने से लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है, ये फायदा मिल रहा है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। यहाँ पे हमें लेंथ -1 लिखना पड़ता था, बट अब डायरेक्टली आप -1 बोल सकते हो और लास्ट वाला इंडेक्स ला सकते हो। वाह, ये एक इसका फायदा होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। आई होप नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप सभी को समझ में आ गया। अब डायरेक्टली जंप करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग के कंसेप्ट पे। लिस्ट स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ लिस्ट स्लाइसिंग होता क्या है। देखो एक अभी भी हमने देखा कि एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना हो, लाइक ऐसे ऐसे एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना हो, तो हम लोग डायरेक्टली इंडेक्सिंग से कर सकते थे, राइट। अब किसी ने बोला पर्टिकुलर ये इतना पार्ट को देखना है, ये लिस्ट का इतना पार्ट को देखना है, जहाँ 1, 2.2 और एबीसी और ये जो एक टपल है उतना पार्ट को देखना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, हम लोग ये डायरेक्टली इंडेक्सिंग से नहीं देख पा रहे थे, राइट। तो हमें स्लाइसिंग की यूज करनी पड़ी। स्लाइसिंग मतलब क्या, लिस्ट को काटना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, सो उसे बोलते हैं स्लाइसिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेकिंग लिस्ट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट, इट्स कॉल्ड एज एन लिस्ट स्लाइसिंग सिंपल वे में, राइट। तो अब देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है, राइट। तो सिंटैक्स होता है लाइक यहाँ पे आपको वो लिस्ट का नाम लिखना है जिस लिस्ट पे आपको स्लाइसिंग करनी है, लाइक मेरे को लिस्ट वन पे करनी थी, लिस्ट वन का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, नाम लिखना है उसका। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हम लोग ये इंडेक्सिंग करते थे ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, बट थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज आता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तीन चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तीन चीज़ें मिलती है क्या, एक स्टार्ट मिलता है और हर एक चीज़ जो है ना वो ये कोलन सेपरेटेड रहता है, ठीक है, हर एक चीज़ कोलन सेपरेटेड, जैसे कि स्टार्ट स्टार्ट जो है वो कोलन सेपरेटेड है, एंड कोलन सेपरेटेड है, उसके बाद जंप आता है, तीन चीज़ें होती है। तो ये सिंटैक्स है बेसिक सा। और एक चीज़ मैंने इसके बाद लिखी है इंक्लूडेड, एंड एंड के बाद लिखा है एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड मतलब अभी मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है। पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब लेट्स है अज्यूम करो इतना पार्ट मेरे को देखना है, इतना पार्ट आउटपुट में प्रिंट करना है, सो हाउ आई कैन डू दिस थिंग। सो सिंपल वे क्या है, स्टार्ट बताओ, मैं बोला स्टार्ट लगेगा, स्टार्ट इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का मतलब आप जो स्टार्ट डालोगे वो नंबर दिखेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। चलो पहले स्टार्ट है इसका 0, मेरे को एबीसी तक जाना है, तो आप सोच रहे होंगे 0 से लेकर मैं 2 तक बोलूँ तो मेरा एबीसी तक दिखेगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पर लिस्ट वन का 0 से लेकर मतलब कोलन दिया है, स्टार्ट और कंट्रोल जेड, स्टार्ट और एंड बताया मैंने, और जंप नहीं बताया, जंप बाय डिफॉल्ट 1 है अभी के लिए याद रखो, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट और एंड बता दिया है, ठीक है, स्टार्ट और एंड बता दिया कि 0 से लेकर 3 तक जाना है, 0 से लेकर 3 तक जाना है। क्यों मैंने एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि मेरे को इतना ही चाहिए पार्ट, पर मैंने यहाँ बोला है 3 बोला है, क्यों, क्योंकि पाइथन में बोला है कि एंड जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब जो भी आप एंड का इंडेक्स डालोगे वो एक्सक्लूड कर जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आप हमेशा 2 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है तो एक एक्स्ट्रा डालोगे, हमेशा एक एक्स्ट्रा डालोगे, सो दैट आप यहाँ तक तो रीच कर पाओ। लेट से आपको यहाँ तक जाना रहता तो आप 3 की जगह 4 डालते हैं, सो दैट वो एक्सक्लूड कर जाए और आप 3 तक पहुंच जाओ, ठीक है। सो मेरा आउटपुट आता ये वाला, आई होप आप सबको समझ में आया। तो वो लिस्ट में ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि लिस्ट को तोड़ते हैं, लिस्ट को तोड़ने के बाद लिस्ट ही बनेगा, सो लिस्ट में ही आउटपुट आने वाला है, ठीक है, याद रखना लिस्ट में ही आउटपुट आएगा। सिमिलरली लेट्स से इसको अज्यूम करो, ये वाला केस को आपने स्टार्ट और एंड बताया ही नहीं, क्या स्टार्ट और एंड बताया नहीं, बस कोलन दे दिया है, तो इससे क्या होता है, वो इंटरनली समझ के लेता है कि स्टार्ट बाय डिफॉल्ट उसने इंटरनली 0 रखा रहता है, और एंड जो है बाय डिफॉल्ट उसने इंटरनली लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर लिखा रहता है। तो लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर है तो 7 होगा, तो एक्सक्लूड कर गया, तो मेरा पूरा का पूरा लिस्ट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में आता 6 और यहाँ पे एक्चुअली में आता 0। आई होप समझ में आया। तो आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट दिखता है जब आप स्टार्ट और एंड नहीं बताते हो, आई होप आप सभी को ये वाला कंसेप्ट समझ गया, तो आपको आउटपुट में पूरा का पूरा लिस्ट आता था, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ, लेट्स से आपने दोनों कोलन्स दे दिए, तो ये बिना वैल्यू स्पेसिफाई करे क्या कंसिडर कर रहा है ये बताता हूँ मैं। तो आपने दोनों कॉलम्स दिए हैं, ये दो कॉलम का मतलब तो समझ में आ गया, स्टार्ट और एंड, और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट और एंड क्या रहेंगे, स्टार्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट 0, एंड रहेगा बाय डिफॉल्ट आपका लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर, राइट। और ये जो अब जंप वाला पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो 1 रहता है, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। अब जंप वाला पैरामीटर बताता क्या है कि ये वाले जगह पे आप खड़े हो इनिशियली, तो इसके बाद कहाँ पे जाना है, 1 होगा, तो यहां से आप
एक स्टेप आगे जाओगे, तो मतलब 2.2 दिखेगा, यहाँ हो एक स्टेप आगे जाओगे, एबीसी दिखेगा। इसलिए ये कुछ भी ना स्पेसिफाई करो तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिखता है, तीनों मत स्पेसिफाई करो तो। बट अब लेट से आपको जंप के साथ खेलना है थोड़ा, मतलब जंप क्या एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं स्टार्ट और एंड नहीं बताया, मतलब पूरा का पूरा लिस्ट देखेगा बट जंप वो दो दो का लेगा। मतलब क्या, मतलब लेट से स्टार्ट नहीं बताया तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जीरो से होगी, राइट, जीरो से होगी। तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने बोला जंप दो लेना है, मतलब एक जंप यहाँ पे हो जाता, दूसरा जंप यहाँ पे हो जाता, मतलब वन के बाद एबीसी आउटपुट में आता। देखो वन के बाद एबीसी आउटपुट में आता, फिर से मैं यहाँ पे खड़ा होता और मैं बोलता दो का जंप, तो एक यहाँ पे हो जाता, दूसरा यहाँ पे हो जाता, तो मेरा 1.2 वाला आउटपुट आता एबीसी के बाद। सिमिलरली 1.2 से मैं दो का जंप लेता तो मेरा एक डिक्शनरी वाला आउटपुट आता, तो मेरा आउटपुट टोटली ये वाला आउटपुट आ जाता लिस्ट के फॉर्म में। आई होप जंप वाला पैरामीटर आपको सभी को समझ में आया। तो ये होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करना, सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी स्लाइसिंग कर सकते हो। तो लेट्स से आज हम करते हैं 2.2 और एबीसी को आपको देखना है, क्या सॉरी क्या है वो 2.2 और एबीसी को, मतलब इतना पार्ट को आपको देखना है। तो इसके इंडेक्सिंग देख लो, -5 से लेकर -4 जाना पड़ेगा क्योंकि -5 एक्सक्लूड कर जाएगा, तो -5 से लेकर सॉरी -6 से लेकर -6 था यहाँ पे, आई मिस्टेकली सेड दैट -5, तो -6 से लेकर -4 तक जाऊंगा तो मेरा 2.2 और एबीसी आ जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट है, बस नेगेटिव इंडेक्स से डाल देना है। अब रिवर्स कर सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, रिवर्स। आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट किसी ने बोला रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है, लाइक पहले लिस्ट में ये आए उसके बाद ये आए ये आए, ऐसा कुछ तो करना है। मैं दिखाता हूँ रिवर्स, मतलब ऐसा दिखना चाहिए, पहला डिक्शनरी देन ये, मतलब उल्टा हो जाए पूरा लिस्ट। तो इसका करने का सिंपलेस्ट वे क्या है, ये है, देख लो, लिस्ट का नाम लिखो कोलन कोलन -1 दे दो। वन देने से क्या हो रहा था, आगे प्रोपेगेट कर रहा था। -1 देने से क्या होता है पता है, -1 देने से यहां से स्टार्टिंग करता है वो, यहां से स्टार्ट करता है उसके बाद यहां जाता है, -1 का जंप है ना, तो -1 यहां पे आया जंप, उसके बाद फिर से -1 का जंप लेगा तो यहाँ पे आएगा जंप, तो उल्टा चला जाता है। तो वो इसके लिए क्या कर देता है, ये उल्टा एक लिस्ट बना के दे देता है। तो कोलन कोलन क्यों, अब मैंने कोलन कोलन क्यों दिया, क्यों नहीं बताया स्टार्ट और एंड, क्योंकि मेरे को पूरा लिस्ट को उल्टा करना था तो पूरा लिस्ट को उल्टा कर दिया। आपको स्पेसिफिक पार्ट को लिस्ट को उल्टा करना रहता तो स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफाई कर देते हैं और -1 दे देते हैं तो स्पेसिफिक पार्ट उल्टा हो जाता। लाइक ये वाला लिस्ट का एग्जाम्पल है, लिस्ट स्लाइसिंग को रिवर्स करना, लाइक -5 से -8 वाला, मैंने क्या बोला -5 कहाँ गया, -5 से लेकर -8 एक एक्सक्लूड बताया, देखो यहाँ पे यहाँ तक आना है तो ये वाला पार्ट उल्टा होगा यहाँ से, तो एबीसी लेकर कहाँ गया कहाँ गया, ये है देखो एबीसी से लेकर 2.21। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहाँ से क्यों नहीं बताया, मैंने ऐसे बताया उल्टा बताया, ये चीज उल्टा, देखो -5 से लेकर -8 बोला है, बट एक्चुअली मैं आप जब यहाँ पे कर रहे थे लाइक -6 से -4 सीधा जा रहे थे, यहाँ से ऐसे जा रहे थे, बट रिवर्स के केस में ऐसे जाओगे, याद रखना रिवर्स करते वक्त नेगेटिव इंडेक्सिंग के यूजिंग -5 से -8 तक -1 का लेकर, या राइट से लेफ्ट जा रहे हो आप, राइट से लेफ्ट ये ऐसे में, ठीक है। बट एक्चुअल में आप ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करना हो विदाउट रिवर्स तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देख लो -6 से -4, याद रखना रिवर्स करना है तो उल्टा जाना पड़ेगा और सीधा जाना है तो सीधा जाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, राइट। अब थोड़े कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब क्रड ऑपरेशन देखते हैं। क्रड ऑपरेशन मतलब क्या, कि क्रिएट तो देख लिया, क्रड ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ गया आपको तो लिस्ट पे आप सब कुछ चीजें कर सकते हो। क्रड का सी देख लिया, सी मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, लिस्ट को क्रिएट करना हमें आ गया, उसको एक्सेस करना भी आ गया हमें, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं इंसर्ट कैसे करना है, क्रड में का फुल फॉर्म बता दूं, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट देख लिया, रीड करना देख लिया, रीड करना ये रहता है, ये रीड करना देख लिया, अब इंसर्ट करना देख लेते, अपडेट और डिलीट रह गया, ठीक है। पर इंसर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, नया चीज को इंसर्ट कैसे करता है, तो अपडेट कैसे इंसर्ट कैसे करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं, मेथड वन एंड मेथड टू। तो मेथड वन में ना, मेथड वन बोलता है कि डॉट अपेंड वाला मेथड लगा दो, लाइक लिस्ट टू जो है उसको बोलो लिस्ट टू डॉट अपेंड, जो भी नंबर आपको डालना है, मतलब नया नंबर तो भी डालना है नंबर, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, एक पूरा का पूरा लिस्ट भी डाल सकते हो, कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, आपको पता है मैं नंबर डाल रहा हूँ रेट से। तो ये ना अपेंड बोलता है कि मैं लास्ट में डालूंगा, आप अपेंड बोलोगे तो मैं उसको लास्ट में डालूंगा, तो मैंने अपेंड टू बोला तो ये लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, अपेंड का मतलब लास्ट में जाएगा।
इंसर्ट एट लास्ट, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड टू है, दूसरा मेथड क्या है, इंसर्ट। अब ये इसका एक ड्रॉबैक था, वो लास्ट में ही डालता था। अब मेरे को कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे डालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लिस्ट टू के, लिस्ट टू डॉट इंसर्ट जीरो नंबर के इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू। तो मेरा जीरो नंबर के इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू आ गया, देख लो, और 1.222 ये यहाँ ही पे रिजल्ट था तो वो ऐसा आ गया। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे रिजल्ट क्या था, यहाँ पे रिजल्ट था ये वाला रिजल्ट था, ये वाला, यहाँ पे आउटपुट ये वाला था, तो उसमें जीरो नंबर पे इंडेक्स पे ये वाला चीज़ को ऐड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया अब इंसर्ट का फायदा क्या है। एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंडेक्स बता दो वहाँ पे क्या वैल्यू डालना है, तो ये इंसर्ट करके दे देता है। तो इंसर्ट एंड अपेंड दो मेथड्स होते हैं नया वैल्यू को डालने के लिए। अब अपडेट कैसे करना है लिस्ट को मैं बता देता हूँ। अपडेट करना है लिस्ट को कैसा, सिंपल सी बात है। अपडेट मतलब क्या, चेंज करना कोई वैल्यू को। लाइक मेरे को जीरो नंबर का इंडेक्स मैंने गलती से वन डाल दिया है, मेरे को एक डिक्शनरी एक सेट देना था उसके जगह पे, ये वाले जगह पे सेट देना था, गलती से मैंने वन डाल दिया, तो कैसे चेंज करूंगा उसको। मैं बोलूंगा लिस्ट थ्री का मेरा जीरो नंबर का इंडेक्स बदला है, जीरो नंबर का इंडेक्स को बता दूंगा इक्वल टू, चेंज करके ये वाला डाल दिया, तो मेरा देखो ये वहाँ पे आउटपुट ऐसा आता, तो ये वाला इंडेक्स जो भी है वैल्यू वो चेंज हो जाती, ठीक है। अब देखते हैं डिलीट वाला मेथड। तो डिलीट वाले मेथड में चार मेथड्स आते हैं, ठीक है, चार मेथड आते हैं, हर एक मेथड अलग अलग काम करता है। तो मेथड वन क्या बोलता है, मेथड वन बोलता है मैं डिलीट करने के लिए डायरेक्ट आपने लिस्ट फोर है, तो वो लिस्ट फोर का मेरे को लेट से पहले नंबर का मतलब इंडेक्स डिलीट करना है, मतलब टू को डिलीट करना है, तो आप खाली लिख दो ये वाला चीज, मतलब क्या, डिलीट लिस्ट फोर का इंडेक्स नंबर वन, ठीक है। तो ये डिलीट कर देगा इंडेक्स नंबर वन को, तो आउटपुट आएगा वन और थ्री, क्योंकि इंडेक्स नंबर वो डिलीट हो गया है। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, रिमूव को यूज करो, लिस्ट फाइव डॉट रिमूव बोल दो, लिस्ट फाइव डॉट रिमूव बोल दो। तो रिमूव किसको करना है वो बता दो इसको, बस वन को रिमूव करना है तो वन को रिमूव कर देगा। वैल्यू बताना पड़ता है यहाँ पे, इंडेक्स नहीं, यहाँ पे वैल्यू बताना पड़ता है। आपने यहाँ पे इंडेक्स बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू बताना पड़ता है, मेरे को वन रिमूव करना है, तो वो वन को रिमूव कर देगा, तो आपका आउटपुट टू और थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मेथड होता है क्लियर। क्लियर क्या करता है, पूरा का पूरा जो भी आइटम होंगे लिस्ट में वो पूरे के पूरे आइटम को डिलीट कर देगा, पूरा पूरा एम्प्टी कर देगा लिस्ट को, तो ये क्लियर मेथड होता है। फोर्थ मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या बोलता है, कोई भी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करने के लिए आप इंडेक्स दे दो पॉप में। लिस्ट सिक्स को मेरे को लेट्स सो जीरो नंबर का इंडेक्स को डिलीट करना है, मैं बोला जीरो नंबर का इंडेक्स को डिलीट कर दो, तो मेरा आउटपुट डिलीट करने के बाद जो भी वो आउटपुट हम लोग स्टोर कर सकते हैं जो आइटम को हमने डिलीट किया है, मैंने पॉप्ड आइटम लिखा और उसको प्रिंट किया, तो मेरा डिलीट किया हुआ था आइटम वन, तो वो मेरा पॉप्ड आइटम में आ गया। और हम लोग लिस्ट सिक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो लिस्ट सिक्स मेरा टू थ्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने जीरो नंबर के इंडेक्स को पॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं ना विदाउट पॉप में कुछ भी स्पेसिफाई करे वो क्या डिलीट करता है वो बताता हूँ। आपने पॉप में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, इंडेक्स नहीं बताया, तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स माइनस वन लेके चलता है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स माइनस वन लेके चलता है। माइनस वन क्या रहता है, लास्ट वाला इंडेक्स, तो लास्ट वाला इंडेक्स को डिलीट करता है, डिलीट लास्ट इंडेक्स, ऐसा लिखोगे तो लास्ट वाला इंडेक्स डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट आता सिक्स, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आता सॉरी थ्री, थ्री डिलीट होता है एक्चुअली, थ्री डिलीट होता और आप लिस्ट एक्चुअली थ्री डिलीट होता और आपके लिस्ट सिक्स में क्या रह जाता, खाली टू रह जाता, क्योंकि आपने वन भी डिलीट किया था यहाँ पर। सो इस तरीके से काम करता है पूरा, चार मेथड्स डिलीट करने के लिए। अब थोड़े बहुत फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत फंक्शंस हैं। तो फंक्शन क्या है, लेट से आपको कोई भी नंबर को काउंट करना है कितनी बार आया है, तो मैं लिस्ट सिक्स लिस्ट सेवन है ये, उसमें देखना है मेरे को टू कितनी बार आया है, तो मैं काउंट बोल दूंगा और बोलूंगा टू कितनी बार आया है, तो बोलेगा आउटपुट फोर, क्योंकि एक दो तीन चार बार आया है, तो चार बार आ गया। अब देखते हैं लिस्ट में आइटरेट करना कैसा है, ठीक है, लिस्ट में आइटरेट करना कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो मेथड्स होता है, दोनों मेथड बताऊंगा, मेथड वन होता है ये और मेथड टू होता है ये। तो मेथड वन देखते हैं, आपको एक कंसेप्ट अभी पता है कि मेरे को इंडेक्स है, मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, तो मेरे को आइटरेट करने के लिए सिंपल सा लिखना है। मैंने फॉर लूप सिखा रखा है, आप फॉर लूप का वीडियो देख सकते हो। देखो फॉर आई, मेरे को बोलना है कि फॉर आई इन रेंज, अब मेरे को पता है इंडेक्स जनरेट करना है, तो इंडेक्स जनरेट करने के लिए मेरे को फॉर लूप लगेगा। मैं फॉर आई इन रेंज बोला, बोला कि लेंथ जितना है लिस्ट का उतना लेंथ तक का मेरे को रेंजेज चाहिए, मतलब जीरो वन टू थ्री, लेट से ये इसका लेंथ क्या है, लेंथ निकाल लेते, ठीक है, लेंथ है इसका वन टू थ्री फोर, फोर लेंथ है। बट इंडेक्सेस कहाँ तक होंगे, इंडेक्सेस मेरे होंगे थ्री तक, मैंने बोला एक कम रहता है,
तो मैं यहाँ पे रेंज में लेंथ दे दूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ये लास्ट वाला इंडेक्स क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो 0 से लेकर ये एक्चुअल में प्रोड्यूस करेगा वैल्यू 3 तक के। तो मैं बोल सकता हूँ बाद में इसके अंदर आके, इस लूप के अंदर आके प्रिंट कर दो लिस्ट वन का वो वाला इंडेक्स जो आई में आने वाला है। आई में इंडेक्सेस आने वाले हैं ना 0, 1, 2, 3, तो मेरे हर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो मेरे को मिलेगा 1, 2, 3 उसके अंदर के वैल्यूज। आई होप क्लियर है। मेथड 2 बहुत ईजीएस्ट मेथड है, तो ये सिंपल सा मेथड देख लो। फॉर आई बोल लो या फिर आइटम बोल लो, कुछ भी वेरिएबल का नाम डाल सकते हो। इन लिस्ट वन जो भी लिस्ट में वो अप्लाई करना है उस लिस्ट का नाम बोल दो और बोल दो प्रिंट आइटम। मतलब अब ये क्या करेगा, ये लिस्ट के अंदर के हर एक वैल्यू को देखेगा। लाइक 1 है तो आइटम में 1 चला जाएगा पहले टाइम पे, दूसरे टाइम पे 2 चला जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 गया था तो 1 प्रिंट हुआ, 2 गया तो 2 प्रिंट हुआ, 3 तो 3, 4 तो 4। तो ऐसे लिस्ट का आइटम्स को आप आइट्रेट करके प्रिंट कर सकते हो। दोनों मेथड बता दिया, यूजिंग इंडेक्सेस और यूजिंग लिस्ट का आइटम, मतलब डायरेक्टली लिस्ट के यूजिंग आप उस पर आइट्रेट कर सकते हो। तो आई होप पूरा लिस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, लिस्ट क्या होता है पाइथन में, पूरा का पूरा चीज़ें कवर कर लिए मैंने। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना सो दैट ये वीडियो रैंक करे एंड यू विल गेट सच कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।